दोस्तों, हाउ आर यू। आई होप कि आप सबके सब ठीक ठाक और खैरियत से होंगे। मैं भी ठीक हूँ, आप सबकी दुआएं हैं। और मैं हूँ आप सबकी दोस्त, आपकी होस्ट वफा फातिमा। अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब लाजमी कर दें और बेल की आइकन को लाजमी प्रेस कर दीजिएगा ताकि आपको हमारे न्यू नोटिफिकेशन वक्त ब वक्त मिलती रहे। और मैं हूँ आप सबकी दोस्त, आपकी होस्ट वफा फातिमा। बार बार बता रही हूँ, आप लोग को नाम तो याद हो ही गया होगा क्योंकि मैं आप लोगों के अक्सर वीडियोज़ बनाती रहती हूँ। और आपको हमेशा कहते रहते हैं प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब लाजमी कर दें। आपसे सिर्फ एक ही रिक्वेस्ट करती हूँ कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। सब्सक्राइब करने से ये होगा कि आप लोगों को जो भी जितनी भी वीडियोस हैं ना, मेरी सारी की सारी वक्त पे मिलती रहेंगी और नोटिफिकेशन मिलती रहेंगी। और जो और शेयर भी कर दीजिए ताकि आपको जो मेरी पिछली वीडियोस हैं उन सब की नोटिफिकेशन टाइम पे मिल जाए, ठीक है। और अगर आप लोग ऑलरेडी सब्सक्राइब कर चुके हैं तो प्लीज़ फीडबैक कर दिया करें मुझे कि कैसी वीडियोज़ बनाई मैंने। तो अब आपको मैं दिखाती हूँ और रीडिंग करके दिखाती हूँ। आज हम रीडिंग करेंगे इंग्लिश बुक की, और इंग्लिश बुक है इंग्लिश इंटरमीडिएट की इंग्लिश बुक 1 और सेंट टेक्स्ट बोर्ड जामशुरू की तरफ से। तो ये फर्स्ट ईयर वालों के लिए है, तो लाजमी वो मेरी ये रीडिंग है वो देखेंगे क्योंकि काफ़ी लोगों को, काफ़ी स्टूडेंट्स को रीडिंग करना नहीं आती है तो उनको बहुत मसला होता है। तो आज मैं लोगों को रीडिंग करना सिखाऊँगी, ठीक है। और इनके मैं कुछ क्वेश्चन बताऊंगी जो बहुत इम्पोर्टेंट है हमारे लिए कि एग्ज़ाम्स में जो आएंगे हमें कौन सी क्वेश्चन याद रखने चाहिए, कौन सी ये एक्सरसाइज नंबर एक्सरसाइज द आर्टिकल्स कॉन्कर्ड एक्सरसाइज नंबर 1 है। अपने सारे के सारे पहले तो नोट कर लेने हैं कि कौन कौन से इसके अंदर लेसन्स वगैरह हैं, कौन सी नहीं है, और आपने कौन सी किस किस की रीडिंग करनी है, कि कौन सी क्वेश्चन अपने जहन में उठाने। तो आपने पहले ही एक नोटबुक बना ली, ठीक है, अपने लिए अलग से। उसके बाद फिर आप प्रिपरेशन करना स्टार्ट कर दें, ऐसे आप कभी भी ना याद कर पाएंगे और ना ही आपको कभी रीडिंग करना आएगी। मैं अक्सर बुक है फर्स्ट क्लास में हूँ मैं, तो फिर अल्हम्दुलिल्लाह तो मैं रीडिंग करती रहती हूँ, तो काफ़ी ऐसी चीज़ें हैं जो मैं टिक मार्क कर देती हूँ ताकि मुझे बाद में याद रह जाए कि मैंने ये चीज़ें ऑलरेडी रीड कर चुकी हूँ। मुझे फिर मसला बिल्कुल भी नहीं होता। तो आप लोग जैसे किया करें, जो भी चीज़ अगर आप लोग याद कर रहे होते हैं ना, तो फिर या टीचर से पढ़ते हैं लेक्चर लेते हैं तो उनको लाजमी टिक मार्क कर लिया करें, उनको हाईलाइट कर लिया करें ताकि आपको पता चल सके कि आपने ये चीज़ें ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। माय बैंक अकाउंट, व्हेन आई गो इनटू अ बैंक आई गेट द, ये जितनी भी है ना आपकी, ये है रीडिंग टेक्स्ट 4, ठीक है, माय बैंक अकाउंट। तो इसके बाद और आपने ये सारी की सारी यहाँ पे ये पूरा पैराग्राफ लिखा हुआ है, तो आप यहाँ से ये पढ़ सकते हैं, ठीक है। उसके बाद ये है आंसर क्वेश्चन, इसके यहाँ पर है आंसर दिस क्वेश्चन अकॉर्डिंग टू द ऑथर व्हाट इज द इफेक्ट अपॉन हिम ऑफ अटेंडिंग अ बैंक टू डू बिजनेस। तो इसके जो आंसर हैं आपने यहाँ से ये जो है माई बैंक अकाउंट वाला जो ये रीडिंग है, तो आपने यहाँ से रीडिंग करके अपने यहाँ से क्वेश्चन निकाल लेने हैं, ठीक है। इसका ये फर्स्ट ये, सेकंड ये, व्हाई डिड द अदर डिसाइड टू ओपन ओपन एन अकाउंट, ठीक है। तो उसने क्यों डिसाइड किया अपना अकाउंट खोलने के लिए, तो उसने क्यों डिसाइड किया, तो यहाँ से आप इसका जवाब निकाल सकते हैं।
थर्ड वन वाज द मैनेजर रिएक्शन व्हेन द अदर टोल्ड हिम दैट ही वुड लाइक टू सी हिम अलोन। तो इसका तो यहाँ से आप निकाल लें, और इसका ये इसके फोर क्वेश्चन है। ओके दोस्तों, तो यहाँ से आप देख सकते हैं चीज़। तो अब मैं चाहती हूँ आपसे इजाज़त मिलूँगी आपसे कम मीडिया के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, अल्लाह हाफिज़।